फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग झंझोर तैयारी में लगे उनका बेहद हार्दिक स्वागत होगा। इस मेरी क्या नाम है सीरीज चल रही है जिसका नाम यूपीएससी ऑप्शन सब्जेक्ट लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे अप्रोचेस क्या क्या होंगे अगर हम क्या नाम है किसी बुक यानी किसी ऑप्शन सब्जेक्ट को अगर हम चुनते हैं। तो आज का टॉपिक बेसिक फिजिक्स है। इसके अंदर क्या नाम है बुक लिस्ट देखेंगे, कोचिंग वाला के नोट्स देखेंगे, साथ में टॉपर नोट्स, ताकि मैं आपको क्या नाम है कमेंट्स के अंदर डायरेक्ट डाउनलोड दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और इन्जॉय करें। साथ में टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए, साथ में ब्लॉक लिंक्स इसलिए बिकॉज स्ट्रेटजी एक क्या हो एक साइंस स्ट्रीम वाला बंदे बता सकते हैं। फॉर मी आई एम बिलोंग्स टू द कॉमर्स बैकग्राउंड, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल यू द स्ट्रेटजी बिकॉज फिजिक्स तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाती है। तो खैर आगे बढ़ते हैं गाइज। तो इसके अंदर क्या नाम है अभी तक हमने जो क्या नाम है कवर किया वो क्या नाम है पब्लिक एड किया, हिंदी लिटरेचर किया, सोशोलॉजी किया, हिस्ट्री किया, फिलोसफी किया, जियो किया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप किया और केमिस्ट्री किया। तो आगे वाली जो वीडियो होगी मेरी क्या नाम है मैथ्स पे होगी कि मैथ्स रिलेटेड क्या क्या हो क्या क्या अप्रोचेज हों, इसके लिए मैं आपको सून मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या नाम वाई फिजिक्स इन द यूपीएससी एग्जाम गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाई स्कोरिंग है। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड देन इट विल हेल्प यू लॉट। अगर आपका बैकग्राउंड ठीक ठाक है फिजिक्स रिलेटेड यानी फिजिक्स के तुर्रम खा है, तो अगर आपने कोटा के अंदर अच्छे से कोचिंग ली है तो डेफिनेटली आपको क्या नाम है काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। इसी वजह से इजिली अवेलेबल कोचिंग वाला नोट्स एंड कोचिंग क्लासेस भी ठीक ठाक आपको दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे। साथ में जो जेरोक्स कॉपी जो फोटो स्टेट पे जो रहती है वो इजिली अवेलेबल है। ओनली साइंस स्टूडेंट ऑप्ट दिस सब्जेक्ट्स बिकॉज यहाँ पे सिर्फ साइंस स्टूडेंट वाले ही क्या नाम है ऑप्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को, ताकि फिर आर्ट्स और कॉमर्स वाले बिल्कुल अलग हो जाते हैं, जिस वजह से कॉम्पिटिशन काफी यहाँ पे लेस हमें देखने को मिलता है। मॉडरेट सिलेबस है, कोई ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या नाम है कुछ दिनों के यानी कि कुछ से 4 से 5 महीने के अंदर आपको ठीक ठाक अगर आपकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है तो आप इसको क्या नाम है ठीक ठाक कवर कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स। वेरी फ्यू कॉम्पिटिशन भी है क्योंकि ऑफकोर्स फिजिक्स है तो कुछ ही वेरी लिमिटेड बंदे ही लेते हैं, तो जिस वजह से क्या नाम है इस एग्जामिनर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता, तो जिस वजह से क्या नाम है पेपर मार्किंग जो होती है जो पेपर की जो चेकिंग होती है वो ठीक ठाक चली जाती है। गाइस कॉन्स में ये है कि यू हैव टू रीड आउट ऑफ द सिलेबस, नो जीएस हेल्प वाला फंडा कि भाई ये जीएस के अंदर किसी भी सेशन में आपको हेल्प नहीं करेगा। इवन अगर सीसेट की भी औकात अब 33% रह गई है तो खैर अब तो उसकी बात ही अलग है। और साथ में अरे हाँ एक आधा क्वेश्चन अगर साइंस से अगर कोई प्रिम्स में आ जाए तो दैट्स ऑल मैं ये बोलूँगा। एंड लिटिल बिट लेंथी सिलेबस भी है क्योंकि टेकिंग कंज्यूमिंग द टाइम बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर खंगालना पड़ेगा कुछ पॉइंट्स रिलेटेड, तो जिस वजह से कहीं ना कहीं लिटिल बिट लेंथी सिलेबस भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। साथ में वेरी फ्यू कोचिंग नोट्स अवेलेबल, ठीक है जेरोक्स कॉपी तो क्या ना फोटोस्टेट पे है फोटोस्टेट शॉप पे है लेकिन एक लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री के लिए तो क्या नाम आपको डिफरेंट कोचिंग मटेरियल्स आपको हाँ भी आप चूज करेंगे हाँ कौन सा अच्छा कौन सा गंदा, बट यहाँ पे एक लिमिटेड है, तो जिस वजह से हमारी मोनोपोली जो होती है कोचिंग वालों की काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो जिस वजह से नीड टू मच प्रैक्टिस एक चीज़ और क्या नाम इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए। फिर डायग्राम इशू जिसकी ड्राइंग गंदी है तो उसके अच्छे से लग जानी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ड्राइंग भी काफ़ी क्या नाम है कॉस्ट फैक्टर यानी कि एक हाई रैंक हाई स्कोरिंग के लिए काफ़ी बड़ा इशू यहाँ पे बन जाता है। गाइज ओवरऑल एनालिसिस ये कहता है कि क्या नाम है इस बार क्या नाम है 2013 के अंदर 147 बंदों ने क्या नाम अपीयर हुए थे मेन्स के अंदर, जिसके अंदर से रिकमेंडेड सिर्फ 13 ही हुए थे और कुछ जो सक्सेस रेशियो था वो कुछ 8.8 था। बाकी ये आप क्या नाम वीडियो पॉज करके देख लिए आपको एक एनालिसिस करने का मतलब हाँ भी इतने बंदे अपीयर हो रहे थे इतने बंदे नहीं हो रहे। तो ओवरऑल यहाँ पे एक चीज़ और अगर 147 बंदे अपीयर हो रहे हैं तो मेंस के अंदर और रिकमेंडेड 13 हो रहे तो कहीं ना कहीं उड़ जा रहे हो, यानी कि कहीं ना कोई जिसका किसी का जीएस पेपर खराब चला गया, किसी का कोई कंपलसरी सब्जेक्ट ही पास नहीं करा स्पेशली फॉर द हिंदी दोज हुआ टेकिंग फिजिक्स इन इंग्लिश, तो हिंदी में उनकी अच्छे से लग जाती है। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं जो हिंदी जिन्होंने पास नहीं कर पाए उनकी अच्छे से बैंड बच गई। खैर तो इस चीज़ को भी क्या नाम है कंपलसरी पेपर भी हमेशा क्या नाम सेट टू सेट थोड़ा बहुत ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। गाइस फिजिक्स मार्क्स में सिलेक्टेड कैंडिडेट जो रिसेंटली जो हुए एक हर्ष दीक्षित क्या नाम है 328 मार्क्स 500 में से, यानी कि आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी स्कोरिंग चल सकती है। साथ में कुछ क्या नाम है मृत्युंजय कुमार जिनके 321 भी आए थे और साथ में क्या नाम है अर्जुन शर्मा इसको 194। गाइज ये 194 इसलिए मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके फिजिक्स में कम आ रहे हैं लेकिन आपके और सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं तो डेफिनेटली आप सिलेक्टेड हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फिजिक्स का पेपर खराब चला गया मेंस में तो आप टेंशन में जाओ, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं देखिए आपके सामने है कि 297 रैंक आई उस बंदे की और 194 मार्क्स से क्या नाम है थ्रू हो गया यानी लेस देन 50%। तो खैर गाइज ये मेरी तरफ से समझाने का तरीका था। एक चीज़ और कि देर इज अ मेजर डिफरेंस इन द IIT JEE एंड द UPSC एग्जाम इन द फॉर्मर वी डू
डू नॉट नीड टू मेमोराइज मच वंस वी हैव टू अंडरस्टूड द बेसिक्स बट इन द लेटर केस देर शुड बी नो इल्यूशन रिगार्डिंग द फैक्ट्स दैट इवन इन फिजिक्स देर इज अ लॉट ऑफ मगिंग अप। यानी कि भाई सिंपल सी बात है कि ये एक IIT और JEE का एग्जाम नहीं है, यहाँ पे आपकी बेसिक कंसेप्ट क्लैरिटी पहले मजबूत होनी चाहिए, फिर बाद में उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में आपको क्या थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। गाइज यू शुड हैव ऑल द डायमेंशंस ऑन योर फिंगर टिप्स, सम डायमेंशंस इन द पेपर टू आर द मोर देन 4 पेजेस लॉन्ग। भाई यानी कि डायमेंशंस आपको रटना पड़ेगा, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको कहना है अच्छे से कहना मेमोराइज करना पड़ेगा ताकि आपकी जो टिप्स पे वो सारी चीज़ें रहें। तो यानी कि कहने का तात्पर्य ये आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा यहाँ पे करनी पड़ेगी। गाइस टॉपर नोट्स जो मैं ऋषि गुप्ता के हैं प्रोवाइड हैं, ये मैं आपको कहना मैं ब्लॉग कमेंट में तुरंत दे रहा हूँ, वहाँ जब डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके, ताकि आप एक एनालिसिस कर सकें हाँ भी किस तरह से नोट्स बनते किस तरह से नहीं बनते। और काफ़ी ये नोट्स कहना मैं हेल्पफुल हैं, लाइक दिस कि ऑप्टिक्स का है, क्वांटम मैकेनिज्म का, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, तो ये सारे नोट्स मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ। फाइनली लेट्स स्टार्ट विद द बुक लिस्ट। गाइज अगेन आई एम बिलोंग्स विद अ कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आई डोंट हैव द सिंगल नॉलेज अबाउट द फिजिक्स, बट स्टिल दीज बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स। भाई मैं कॉमर्स बैकग्राउंड का, मुझे फिजिक्स के बारे में ABCD भी नहीं पता टू बी फ्रैंक, और जिस वजह से, बट हाँ टू द टॉपर रिकमेंडेड बुक्स हैं तो डेफिनेटली इस पर आप थोड़ी सी देख सकते हैं। हाँ ये भी एक चीज़ ये भी है कि जाने से कोई भी बुक परचेस करने से पहले एक बार अपने आसपास दाएं बाएं से रिसोर्स कंफर्म कर लें कि ये बुक मुझे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, दैट्स ऑल मैं आपको ये बोलूँगा। तो गाइस बुक लिस्ट पेपर वन के लिए कि मैकेनिक्स के लिए है कि भाई DS माथुर की एक बुक आती है बहुत अच्छी ठीक ठाक, ये हाईली रिकमेंडेड है बाय द टॉपर के। इसी तरह एन इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स बाय द कैपलर एंड द कॉलन को, ये एक बुक है जिसमें से क्या नाम है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और ये आप करनी पड़ेगी। इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स बाय द गोल्डस्टीन की एक बुक आती है, ये भी ठीक ठाक है। इसी तरह वेव्स एंड ऑप्टिक्स में अजय घातक की एक बुक है गाइज, ये तो और BS अग्रवाल, ये दोनों बुक वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ये मैंने तो आपको पेपर वन के लिए भी दिया, जो ये बुक्स हैं ये तो लेनी ही लेनी चाहिए कितना भी आप कर लें, आप इन बुक्स को इग्नोर नहीं कर पाओगे बिकॉज इनमें कंसेप्ट बहुत अच्छे दे रखे हैं। इसी तरह क्या नाम इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नीशियम के लिए इंट्रोडक्शन टू द इलेक्ट्रोडायनेमिक बाय द डेविड एंड जे ग्रिफन की, और सत्यप्रकाश, तो सत्यप्रकाश की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बट इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता जहां तक मुझे टॉपर्स के थ्रू मैंने अलग अलग ब्लॉग्स को खंगाला, बट हाँ ये बोलूँगा सत्यप्रकाश प्रकाश की बुक क्या काफ़ी ज़्यादा आपको क्या नाम है ठीक ठाक मिलेगी। इसी तरह थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स के लिए आपको हीट एंड द थर्मोडायनेमिक बाय द डिटमैन एंड जेमन स्काई की एक बुक आपको मिलेगी। इसी तरह सीयर्स और सेलिंगर की आपको एक बुक मिलेगी और इसी तरह सत्यप्रकाश की आपको बुक यहाँ पे मिलेगी। तो गाइस दीज बुक्स आर रियली हाईली रिकमेंडेड फॉर द पेपर वन, क्योंकि पेपर वन काफ़ी वास्ट है जिस वजह से आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे सोचना पड़ेगा। इसी तरह का इस पेपर टू के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए SC वर्मा हाईली रिकमेंडेड बुक है, ये बुक आप इग्नोर नहीं कर पाओगे, ये बुक आपको मस्ट है, ये आपको खरीदनी पड़ेगी। इसी तरह एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा बाय द राजकुमार, ये भी हाईली रिकमेंडेड बुक है, इस बुक को आप क्या नाम है मीन्स इग्नोर नहीं कर पाओगे। इसी तरह मॉडर्न फिजिक्स बाय द अतुल बेसर, ये भी बुक काफ़ी ठीक ठाक है और आपको ये। इसी तरह क्वांटम फिजिक्स बाय द रेसनिक एंड द इसबर्ग, ये भी बुक ठीक ठाक है और ये आपको किसी ना किसी तरह से लेनी ही पड़ेगी। गाइस सी अब ये मत सोचना कि इतनी सारी बुक्स होने, गाइस सी कुछ कंसेप्ट्स आपको देखने पड़ेंगे जिस वजह आपका एडिशनल बुक्स खरीदनी पड़ेगी। हाँ जिसके पास अगर आसपास कोई दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी या ठीक ठाक लाइब्रेरी है, प्राइवेट लाइब्रेरी, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं, बट हाँ कुछ सिलेक्टेड बुक्स आपको खरीदनी ही पड़ेंगी। तो गाइस इधर आप पेपर टू के लिए न्यूक्लियर एंड द प्रैक्टिस फिजिक्स के लिए मॉडर्न फिजिक्स बाय द अतुल बेसर, अगेन रिपीटेड क्वांटम फिजिक्स बाय द रेसनिक एंड द स्पर्क, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स बाय द DC टाइल की बुक भी काफी रिकमेंडेड है एज पर द टॉपर्स, तो ये आपको थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लेनी पड़ेगी। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स डिवाइस एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको क्या नाम है SO कश्यप की एक बुक आती है, और इसी तरह अतुल बेसर की होती है और रेसनिक, और ये तो ऑलरेडी जो मैंने रिपीट कर दिया है, बट ये SO कश्यप की बुक आप देख सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंडेड नहीं कह सकता बट हाँ ये शायद आपको लेनी पड़ सकती है। तो गाइस ये ओवरऑल द बुक लिस्ट थी, और इसी की जैसे कोचिंग वाला नोट्स के लिए DIS के प्रोफेसर वाजपेयी के नोट्स, या फिर अगर जो बंदे कोचिंग क्लासेस लेना चाहते हैं ये आई थिंक बेरसराय या देरसराय में है नियर टू द IIT दिल्ली, तो वहां से आप क्या नाम है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर प्रोफेसर वाजपेयी के आप नोट्स ले लें तो आपको ठीक ठाक, या फिर ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना, क्योंकि कुछ चीज़ें DIS में ठीक ठाक हैं, कुछ चीज़ें ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स के नोट्स में ठीक ठाक है, तो आप दोनों कॉम्बिनेशन लेके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए तो ज़्यादा वो ठीक ठाक रहेगा। इसी तरह का इस टेस्ट सीरीज के लिए मैं बोलूंगा कि DIS के लिए टेस्ट सीरीज ठीक ठाक है, और एक चीज और ये IAS साथ में क्या नाम है IFS के लिए भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, ताकि आप क्या नाम है जो बंदे IFS के लिए भी क्या नाम है थोड़ा बहुत देख रहे हैं तो आप उसके लिए भी ठीक ठाक रहेगी। तो गाइज अगेन क्या नाम है मैं ब्लॉग्स की ये स्ट्रेटजी क्या नाम है मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि अभी
अभिजीत अग्रवाल के ब्लॉग है, इसी तरह आपको काफ़ी सारे ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कशिश मित्तल के ब्लॉग आपको मिल, मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको वहाँ पे पढ़ लें तो ज़्यादा ठीक ठाक रहेगा। मैं तो जैसे इतनी हेल्प कर पाऊंगा बिकॉज मुझे तो नॉलेज नहीं है फिजिक्स के बारे में, सॉरी टू से। बट हाँ, उम्मीद की किरण हमेशा रहेगी, ताकि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। अगर देर इज अ विल देर इज अ वे, दैट्स ऑल। सो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।